सिंपली डन कर देना है। ओके सो हमारी जो परफेक्ट लाइटिंग वगैरह हो चुकी है, अब मैं सिंपल से थोड़ा सा फोटो में रियलिस्टिक क्रिएट करने के लिए एक स्नेक का ब्लर पीएनजी लूंगा। देखिए काफी हमारी फोटो के अंदर एक रियलिस्टिक का एंड हमारी फोटो में कोई चीजनेस नहीं लगे, उसको साइज हमको ऐसे फुल करना है सिंपली एंड नीचे की तरफ लगा देना। ओके एंड फिर सिंपली कर देना है डन। तो गाइस हमारी फोटो ऑलमोस्ट पूरी रेडी हो चुकी है, बस हमें अपनी फोटो के अंदर यहां पे देना साइन इफेक्ट। तो मैं चलता हूं टूल्स में, एडजस्ट में, एडजस्ट पर जाने के बाद गाइस कुछ सिंपली ब्राइटनेस को इंक्रीज करना है, तो मैं इसको लेके जाऊंगा या 50 तक लेके जाऊंगा एंड इरेजर टूल पे जाके पूरा इरेज कर देना है। देन गाइस रिस्टोर पे जाना, ओपेसिटी कम करना, साइज कम करना, जहाँ जहाँ आपको नीड है साइन इफेक्ट है वहाँ वहाँ आपको सिंपली ब्रश कर मार लेना। तो मैं जल्दी से जहाँ जहाँ मुझे नीड लगती है अपने बाल वगैरह पर मैं हर जगह से जल्दी से मार लेता हूँ। तो भी गाइस बस मैंने पूरे फोटो के अंदर साइन इफेक्ट मार लिया, अब मैं आप यहाँ से उसकी जो है साइन इफेक्ट मैनेज कर सकते हैं। तो आपका यहाँ से ऑप्शन मिलता था होगी 15 तक नॉर्मल, तो मैं फिर उसको ऊपर लेके जाऊँगा ऐसे जो कि ज़्यादा हो गया, तो उसको 20 कर दूंगा एंड ये बिल्कुल परफेक्ट है एंड उसे भी डन कर देना है। तो ये गाइस काफ़ी अच्छा लुक आने लगा जैसे बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। तो साइन इफेक्ट मारना गाइस मत भूलिएगा, मैं अपने हर फोटो में साइन इफेक्ट जरूर मारता हूँ। एंड यहाँ का जो स्नेक है मैंने गाइस इरेज किया क्योंकि मुझे थोड़ा सा ऊपर से ही लग रहा था, जो मैंने इंस्टाग्राम पर अपलोड करा है उसे मैंने इरेज कर रखा है। ठीक है, तो आपकी मर्जी अगर आपको इरेज करना तो कर सकते हो अपने हाथ के ऊपर का, नहीं तो चलेगा यार हमारा स्नेक बढ़िया है मस्त है अभी रेड कॉल जा रहा है। ठीक है, तो हमारी फोटो ऑलमोस्ट जो सड़क सारा काम हो चुका है, तो गाइस हम चलते हैं ड्रो टूल के अंदर एंड अपनी फोटो कर देते हैं यहाँ से सेव। एंड अब इस फोटो को लेकर चलते हैं लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर एंड उधर हम करेंगे इस फोटो के अंदर एक रियलिस्टिक कलर ग्रेडिंग। सो गाइस हमारी फोटो लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर ऐड हो चुकी है, अब हम करेंगे इस फोटो को कलर ग्रेडिंग जिससे हमारी फोटो की रियलिस्टिक लुक आएगा। तो हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, अपना फोटो सबसे पहले क्या करना है, तो गाइस सबसे पहले आपको यहाँ से जो एक्सपोजर हल्का सा कम करना है क्योंकि फोटो में बहुत ही ज़्यादा लाइटिंग है जैसे आपको दिख रहा होगा। तो माइनस इसको 10 कर दूंगा एंड हाईलाइट को हल्का सा कम करना है, शैडो को हल्का सा यूज करना है बिल्कुल एंड ब्लैक कलर कम करना है। ओके फिर गाइस हम उतना डिजिटल टूल पे एंड मिक्स पे, फिर हमें चलना है फर्स्ट कलर जो हमारा होता है ये फेस का, ये हमारे यूट्यूब का फोटो हमें छेड़ने की जरूरत नहीं है। एंड जो सेकंड कलर होता है वो इनका फेस स्किन का, तो हमें इसकी खाली क्योंकि सैचुरेशन को माइनस में कर देना बिल्कुल लिटिल बिट, माइनस 13 परफेक्ट है। एंड फिर हम चलते हैं यहाँ पे गाइस येलो कलर, तो इसको हम मैच छोड़ देंगे। फिर हम चलना है ग्रीन पे, किस सैचुरेशन को माइनस में करना है, ब्लू की सैचुरेशन माइनस में कर देना है। ठीक है, इन तीनों कलर की हमें सैचुरेशन जो बिल्कुल माइनस में रखनी है क्योंकि हम इस फोटो में थोड़ा डार्क ब्लैक इफेक्ट देंगे एंड हम कर देते हैं सिंपली यहाँ से डन। ओके तो डन करने के बाद हम यहाँ पे चलते हैं फोटो में ऐसे क्लियरिटी को बढ़ाएंगे ऐसे एंड उसमें उसको हल्का सा कम करेंगे। ओके तो हम इधर चलते हैं फोटो में साथ में बढ़ा देते ताकि हमारी फोटो बिल्कुल साफ हो जाए एंड हल्का सा नॉइज़ प्रोड्यूस ताकि हमारी फोटो जितना भी नॉइज़ खत्म हो जाए। साथ में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया मैंने, उसको ज़्यादा नहीं बढ़ाना, इतना कर देना है नॉर्मली और 73 परफेक्ट है। ठीक है, एंड एक हल्का सा जो नॉइज़ होता है ना रियल नॉइज़ देने के लिए, तो आपको इधर से आना है एंड ग्रीन अमाउंट को हल्का सा इंक्रीज़ कर देना जिससे हमारी फोटो में रियलिस्टिक नॉइज़ आएगा। ओके तो हम थोड़ा सा नीचे फोटो में डार्क इफेक्ट देखने को मिलते हैं स्लैटी टूल पे, एंड स्लैटी टूल से लाइट का प्रीमियम वर्जन में आ जाए तो प्रीमियम वर्जन का आपको डाउन करना है, तो मैं लिंक
लिंक आपको नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप अपने डाउनलोड कर सकते हैं, सारे फीचर अनलॉक रहते हैं। तो प्लस पे क्लिक करना है, वीडियो पे जाना है, नीचे से हल्का से मारना है एंड ठीक है, साइड से हमारे ब्लैक ब्लैक हो गया एंड फिर हम चलते हैं यहाँ पे इधर प्लेटफॉर्म पे। ओके अब हमें इसका गाइस फोटो ले लेना टोन, तो टोन देंगे हम इसके अंदर थोड़ा सा ब्लू स्ट्राइक ठीक है, तो इधर लेके जाएंगे हम एंड हल्का सा साइड से ऊपर करेंगे ऐसे, देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा ब्लू जो है तो दे दिया, आपको दिख रहा होगा एंड आप यहाँ से बैलेंस कर सकते हो, अगर आपको हाई करना तो पीछे ले जाओ, लो करना तो आगे ले जाओ, तो मैं अभी इसको बैलेंस पे रहने दूंगा क्योंकि मुझे नॉर्मल ही रहने देना है ठीक है। एंड ये हमारी फोटो पूरी अच्छी तरीके से एडिट हो चुकी है, अब लास्ट स्टेप आता है तो मैं फोटो में हल्का सा ही करवा के सर्कल को लेके अपने एरिया को सिलेक्ट करके कॉन्ट्रास्ट को ऐसे बढ़ा देता हूँ फोटो की लगे आप परफेक्ट। ओके गाइस तो देखिए गाइस हमारी फोटो पूरी एक रियलिस्टिक एडिटिंग हो चुकी है, अब मैं आपको दिखाता हूँ हमारी फोटो पहले से देखिए फ्लिपकार्ट के अंदर लाइट रूम के अंदर कैसी है। तो गाइस देखिए फ्लिपकार्ट के अंदर हमारी फोटो खुद इस तरीके से, लेकिन लाइट रूम में एडिटिंग के लिए काफ़ी मस्त फोटो लग रही है बिफोर एंड आफ्टर। तो यार ये मुझे कुछ समझ नहीं आती है यार ये एडिट तो कौन से पूरी लगे यहाँ पे समझ नहीं आ रहा मेरे को, पता नहीं छोड़ो इसको इग्नोर करो अभी, तो अगर आपको ठीक करना था सिंपली यहाँ पे जाके मतलब मैं ठीक कर दूंगा मेरे में आ रहे ना तो ऐड कर दूंगा लाइटिंग को तो ठीक है। तो देखिए बिफोर एंड आफ्टर तो काफी मस्त फोटो लग रही है, तो भाई साहब आपको करना चाहिए शेयर पे जाना स्नेक फोटो एडिटिंग करो एंड ये मेरे फर्स्ट ट्राई करता गाइस स्नेक फोटो एडिटिंग का एंड मैं अभी और ही वीडियोस लाऊंगा स्नेक के ऊपर, कोई नहीं गाइस अभी और वीडियोस आएंगे हमें स्नेक के ऊपर एंड कमेंट करके मुझे कुछ कॉन्सेप्ट भी सजेस्ट करो, आपको किस कॉन्सेप्ट के ऊपर वीडियो चाहिए तो मैं वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर एंड गाइस। तो गाइस चलिए चलते हैं, मैं आपको मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, कीप लविंग कीप सपोर्टिंग, लव यू।